बन जाए ना। आ? 50 किलो है। 50 किलो है तुमसे भारी? हम 50 किलो के नहीं है। कितने के हो? बड़े छोटे आलू। और दोस्तों क्या हालचाल, समझता है? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, आपका एक और न्यू ब्लॉग पे स्वागत है। अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और आलू वगैरह सब रखा चुका है। और ये देखो, कल रात को जो मैं आलू लाया था ना, वो ये रहा। इसमें ना काफ़ी छोटे छोटे भी हैं। ये 800 रुपये का है, ये देखो। और इससे एक बड़ा बड़ा था, उसमें पूरा बड़े बड़े आलू थे। मतलब इसमें 4-5 किलो छोटे छोटे हैं और उसमें ना पूरे बड़े बड़े थे, वो 850 रुपये का था। तो इसलिए मैं एक ही कट्टी लाया था, मतलब चेक कर लेता हूँ एक बार। तो अभी जाऊँगा थोड़ी देर में, चेतक को रात को ही साफ़ कर दिया, फिर से गंदा हो जाएगा। अभी जाऊँगा थोड़ी देर में, आलू लेके आऊँगा, देखते हैं। चलिए अब वैसे ना चेतक को सेट करना स्टार्ट कर देता, मैं अभी से ही शाम को साफ़ कर देता, सुबह फिर से गंदा हो जाएगा। और ये कंटेनर मैं यहीं छोड़ दिया रात को, ये पानी वाला अपना। चलो कोई बात नहीं, इसको अंदर कर दूँगा अभी। ये गाड़ी किसकी आई भाई, पता नहीं चला। गाड़ी तो पुरानी है लेकिन रिबन वगैरह तो लगा हुआ है। तो काउंटर का भी उतार के रख दिया हूँ और बस चलता हूँ अभी। साफ तो कर दिया था यार, फिर से धोना पड़ेगा लेकिन इसको। चलता हूँ दोस्तों, फोन कर दिया हूँ गोदाम में, बोल दिया हूँ भैया को। अभी वो ना सो ही रहे थे, फोन कर दिया। फिर अभी चेतक लगाना पड़ेगा, साफ सुथरा करना पड़ेगा पूरा। आ गए हम दोस्तों गोदाम के पास। गोदाम भी अभी खुल रहा है, वैसे खुलता है 9:30 के आसपास, 10 के आसपास ना। आज आया बहुत जल्दी, आज मैं आ गया हूँ बहुत जल्दी आज। पहला ग्राहक है आज मेरा, पहला ग्राहक। मोटा ग्राहक है आज? नहीं मोटा नहीं हूँ, पतला हूँ। पतला है ये वाला, देखिए मैं बताया था आपको, ये वाला 850 का है। है ना, आलू अच्छा छिदा छिदा नहीं है इसमें। चार कट्टी हो गया है, एक कट्टी और ले लेता हूँ, 5 हो जाएगा डायरेक्ट। इसका हो जाएगा 8×5=40। अभी मेरा आलू कितना दिन चलेगा पता है? होली पार हो जाएगा। हाँ होली है, ये कब है? होली तो परसों नरसों है। होली पार हो जाएगा, होली तो हाँ होली के आगे तक चल जाएगा, लेकिन होली तो परसों ही नरसों है। 23 तारीख है ना, परसों तो होली है। मैं भी कहा बोल रहा हूँ, एक मेरे पास ना होलिका दहन की बुकिंग आई थी, लेकिन वो भैया एडवांस नहीं दिया अभी तक, पता भी नहीं होगा कहाँ चले गए। होली के दिन की बुकिंग है वो तो ठीक है, चलो। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132,
मतलब एक कपड़ा से पूछना पड़ेगा, पानी तो नहीं डालूंगा इसको। लो भैया केला दे दो, 20 रुपये बचा है मेरे पास, 20 रुपये कोला केला दे दीजिए, कोला केला लीजिए। तभी दोस्तों हम लोग के मोहल्ले में ना कचड़ा की गाड़ी भी आने लगी है। ठीक है, कचड़ा पहले इधर उधर उड़ जाता था गर्मियों में, डाल क्या
और रोड बनी नहीं है, रोड बन जाए तो वहाँ घर तक चले जाए, रोड ही बनवा दीजिए जल्दी से तो बैक करके आराम से घर में घुस जाएंगे। नहीं है सरू, लड़ाई झगड़ा नहीं, हाँ तुम लोग भी लोड कर देंगे इसी में नहीं तो। चलो आलू निकालना है मेरे को इसमें से अभी, तो चलो भाई अभी आलू उतार लेते हैं, बन जाए ना। हैं 50 किलो है, 50 किलो है तुमसे भारी। हम 50 किलो के नहीं है। कितने के हो? 61-62। हाँ तुमसे हल्की देख ली गई। तो चित्तक को साफ कर दिए दोबारा, और अभी समोसा बना लूँ। आज कितने पीस बने पता है? मैं बोला था कल कि ज़्यादा बनाऊँगा, आज बने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आज 2 पीस ज़्यादा बन गए। अभी इसके पहले तो मैं 8-8 पीस बना रहा था, मोड़ना नहीं आता था पहले मेरे को धीरे धीरे, लेकिन अब धीरे धीरे सीख गया हूँ और थोड़ी सी ना स्पीड भी बढ़ गई है। ये देखो अभी मतलब स्पीड उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी होनी चाहिए, अभी स्लो ही है। जैसे पानी पूरी बेल लेता और खिला लेता हूँ ना, स्पीड अभी उतनी नहीं है, उतनी नहीं होगी भाई, टाइम लगेगा उतना के लिए। ये दब जाता है इसको ऐसे करके ना मैं खड़ा कर देता हूँ। ये देखो, और जो प्रदीप भैया समोसा बनाते हैं ना, उनका समोसा ना एकदम परफेक्ट रहता है, छोटा छोटा रहता है, समोसा नहीं समोसी बोल सकते हैं। और आप लोग भी कमेंट करके मेरे से बोले भी हैं कि भैया समोसा है कि समोसी, समोसी बोल सकते हैं इसको। तो दोस्तों समोसा बन गए हैं, 6, 4, 10 हो गए हैं, और ये मसाला बन बस गया है अभी। अब इस मसाले को मैं क्या करूँगा, आप लोग समझ गए, अगर समझ गए होंगे तो अभी तक समझ गए होंगे, इसका मैं बर्गर का टिक्की बना लूँगा। इसमें ना और मसाला फ्राई कर दूँगा, मतलब एक आलू और फ्राई कर डाल दूँगा, उसका बर्गर का टिक्की बन जाएगा, वो भी शानदार दिखेगा भाई। बउआ आया है मेरे लिए, चॉकलेट लाया है, दे दे बेटा। बउआ गाड़ी रुका ही नहीं, चला गया तो सीधा। दीदी अंदर है भैया अभी, आप सिखाए हैं कि नहीं? मत देना दूसरों को, मैं कभी नहीं सिखाता। मैं तो दीदी के साथ खेलो। तो चेतना दोस्तों पूरा लग के सेट हो गया है, अभी खाना खा लूँ मैं। अब ये पत्ते भी देखो ऊपर से गिरते हैं, इसी के ऊपर से, पेड़ के ऊपर से भाई। दाल है, चावल है, रोटी है, एक इसको क्या बोलते हैं पोज, टमाटर की चटनी और भिंडी। इसके बाद डाइट शाम को, कुछ मन करता है ना तो चौपाटी से मंगा लेता हूँ कभी कभी, और खाता भी क्या हूँ, शाम को मुर्रा खा लेता हूँ वही संजय भैया का, और नहीं तो लिट्टी वगैरह खा लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों आ गया हूँ दुकान लेके, और अभी भूमि कर लिया हूँ, ये रहा पानी। अब इसमें काट देता हूँ थोड़ा सा धनिया पत्ती, चलो भाई अपना रोज का दिनचर्या चालू करते हैं। सबसे पहले टिकिया, फिर समोसा, फिर बर्गर। तो मैं दबा रहा हूँ थोड़ा सा अभी, अभी ना होली का मार्केट चल रहा है अच्छा, इसमें सेलिंग ठीक ठाक हो जाती है भाई, 3,000 तक हो जाती है, 27-27, 29-29, और उसमें से 12-13 रुपये बच जाते हैं भाई। लेकिन आप लोग को पता है कि ये मेरा अकेले का नहीं रहता है 12-13 रुपये, पूरी फैमिली लगी रहती है तब उतने पैसे बचते हैं। रोज एक आदमी का ले सकते हो 250-300 रुपये बच सकता है। नहीं पकड़े खुल्ला। अभी समोसा सेट कर लूँ, समोसा सेट कर रहा हूँ, ये लो भाई इतना सही है। और आज फ्राइडे है, कल शनिवार है, और परसों रविवार है, सोमवार को होली है शायद। अब 3 दिन तक तो मार्केट स्लो ही रहेगा ऐसा लगता है, क्योंकि कल शनिवार है मार्केट बंद रहता है, परसों संडे है सब कुछ बंद रहेगा, मान लो ऑफिस वगैरह सब कुछ बंद रहेगा, और परसों तो होली है। अब परसों से मतलब नहीं है, परसों तो अपनी बुकिंग है 25 तारीख को। सर अरे बर्गर टिक्की बना लूँ, एक बर्गर बनाना है अभी। 20 का बाद हम खाएंगे।
एक नंबर है। पैक करना है इसको। समोसा का टिक्की का मसाला कल से ही करूंगा फिर। मसाला खत्म हो गया था, मसाला बना लो थोड़ा सा और। ये हो गया दही, ठीक है सेकना पड़ेगा अभी थोड़ा सा। शाम के 4:30 बज गए हैं अभी, वही स्कूल की छुट्टी हो गई। ये देखो अभी पेपर वगैरह तो खत्म हो गया भाई, 10th के खत्म हो गए, शायद 12th के बचे होंगे, पानी पूरी थोड़ी बची हुई है। और आज ना गर्मी है भाई काफ़ी तेज, इसलिए ना पानी पूरी के सामने में कपड़ा डला दिया, इसको निकाल लो इस तरफ। और अभी तक सेलिंग वही मेरी 2, 1, 2, 2, 2, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 22 रुपये की बिक्री हो गई। आप लोग गिन भी नहीं पाएंगे, मैं इतना स्पीड में गिन दिया ना। अब सोच रहा हूँ थोड़ा सा मसाला बना दूँ। और ये कबूतर आए हैं, अब कबूतरों के लिए मैं क्या लाऊंगा पता है, कल से सोच रहा हूँ थोड़ा चावल के दाने लाऊंगा, मोटे वाले जो चावल होते हैं ना वो, याद रहेगा तो ला दूंगा भाई। नहीं तो यहाँ पर पता है क्या कहते हैं, जैसे ये पापड़ी है ना, और एक भैया कमेंट करके बोले थे मेरे को कि मटर तेल वगैरह की चीज़ें मत दिया करो, कहाँ गए वो देखो उधर है, ये देखना, ये देखो कहा है भगा दी। दस का मीठा फुल्की, आज प्लेट वगैरह सब खत्म हो गया बहुत जल्दी यार, इसी में बनाऊंगा मीठा फुल्की। दही डाल दो बेटा, दही डाल दो। तुम कौन सी क्लास में हो अभी? अच्छा 6th में ना, छुट्टी कब होगा गर्मी वाला तुम लोग का? अप्रैल भर तो चलेगा शायद पूरा क्लास, अभी 100 बना दिए हैं। यहाँ पे भाई गाड़ी रुकी जा रही है, तो अभी सब सामान खत्म हो गया है दोस्तों। ये देखो ये खाली है तो कैसे बदल रही है पूरी, चलते हैं घर अब। तो दुकान दोस्तों घर ले आया हूँ और चेतक को साफ कर रहा हूँ, अभी साफ हो गया लगभग, सुबह से काम 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 काम। साफ हो गया भाई, थोड़ा ये बचा है। तो चलिए दोस्तों खाना पीना खा के बस सोने जा रहा हूँ, डूडू का मोबाइल देख रही है। चलिए दोस्तों इस लोग को यहीं पैक करते हैं, आई होप ये लोग आपको पसंद आया होगा। अब इंतजार है उसका रामनवमी का, जो भी रामनवमी अप्रैल में आने वाली है ना, उसमें मैं दुकान लगाऊंगा शायद 7 तारीख या 8 तारीख से है। चलिए मजा आएगा उसमें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।